जय श्री कृष्ण दोस्तों, राजन की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कुछ हेल्दी टेस्टी खाना चाहते हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, तो सब्जियाँ आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ प्याज, टमाटर, साथ में स्वीट कॉर्नस हैं और उसी के साथ में थोड़ा सा पनीर लिया है। तो पनीर को हमने यहाँ पर पहले हल्का सा फ्राई कर लिया था और प्याज टमाटर को एकदम बारीक चॉप कर लिया था। साथ में ही कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद नमक, काला नमक, साथ में चाट मसाला, चिल्ली फ्लेक्स, ओरिगेनो और ऊपर से अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच पीनट्स बटर। तो पीनट्स बटर यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो आप इसे यूज़ करें, ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में ही ऐड करेंगे चीज़, तो चीज़ की मैं इसमें 1 क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। आप जितना यहाँ पर बनाकर तैयार कर रहे हो उस अकॉर्डिंग इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। वैसे चीज़ आप इसमें खूब सारा ऐड करिएगा, चीज़ बच्चों को बेहद पसंद होता है और इससे जो इसका फ्लेवर है वो भी काफ़ी रिच हो जाएगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी हमारे पास में ये सामग्री थी, जितना भी सामान था, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ब्रेड। तो ब्रेड मैं यहाँ पर आटे वाले यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर मैदे वाले ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटे वाले जो ब्रेड होते हैं ज़्यादा हेल्दी होते हैं मैदे वाले की बजाय। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी यहाँ पर आटे वाले ब्रेड का ही यूज़ करें। ब्रेड के ऊपर हम इसकी एक अच्छी सी लेयर लगा लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सब्जियों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम ब्रेड की एक लेयर और लगाएंगे, मतलब इसे अच्छे से कवर कर लेंगे ब्रेड से। उसके बाद हम गैस पर कोई भी कढ़ाई, पैन या फिर कोई भी तवा रखेंगे और उसमें घी लगाएंगे और इसे अच्छे से प्रीहीट कर लेना है। उसके बाद इसमें ब्रेड को ऐड करेंगे और ब्रेड के दोनों साइड घी लगा लेना है। हमें बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और इसे दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, मतलब 1 मिनट के लिए एक साइड से और 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से, किसी से भी ढककर हमें इसे अच्छे से पका लेना है। दोनों तरफ से हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, एकदम कुरकुरा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ब्रेड का ये नाश्ता हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप सर्व करने का तरीका भी देख लीजिए, आप इसे चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ, ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, किसी भी शेप में आप इसे काट कर दे सकते हैं, ये सबको बेहद पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस रेसिपी को ट्राई और इन्जॉय ज़रूर करें।